गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। और अभी दो दिन के लिए चली थी सेल मीशो पे, जो कि थी महा इंडियन सेल उनकी। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट मिले थे चीज़ों पे, तो मैंने कुछ चीज़ें पिक कर ली वहाँ से और काफ़ी अच्छे आइटम्स मुझे रिसीव हुए हैं इस बार काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या खरीदा है मैंने। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक कुर्ता लिया है, वो है चिकनकारी कुर्ता गाइस। और इस बार मैंने नकली चिकनकारी नहीं खरीदा, मैंने असली वाला चिकनकारी कुर्ता खरीदा है। एंड ये है वो कुर्ता गाइस, ब्लैक कलर का, जिसपे कि आपको ये मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, पूरी चिकनकारी हैंडवर्क हो रखा है इस पे। एंड बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था ये कुर्ता। उसके बाद आपको पीछे भी ये थोड़ा सा हैंडवर्क मिलता है चिकनकारी का, और बाकी प्लेन है ये। इसका फैब्रिक जॉर्जेट है गाइस, और इसकी क्वालिटी ना ऐसी नहीं है कि चुभने वाला जॉर्जेट हो, काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्टेबली आप इसको पहन सकते हैं। ब्लैक स्किनी जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, या फिर आप रिप्ड जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं इसे, अगर आपको थोड़ा फ्यूजन लुक देना हो। और अगर आपको इंडियन लुक देना हो तो आप नीचे प्लाजो के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि चिकनकारी कुर्ते जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। आप ना इनको ऑफिस में वेयर कर सकते हो, कॉलेज में भी वेयर कर सकते हो, मार्केट जा रहे हो वहाँ पे भी वेयर कर सकते हो, घर में भी वेयर कर सकते हो, कैसे भी वेयर कर सकते हो। और हाँ गाइज, आप बोलोगे कि इसके साथ इनर नहीं दिया, तो जी हाँ, इनर भी मुझे रिसीव हुआ है। सो ये है वो इनर जो मुझे अलग से रिसीव हुआ, और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है। अभी ऐसा थोड़ा सा खड़ा खड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन धुलने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर साइज की बात करूँ, मैंने इसमें लिया है अपना साइज स्मॉल, क्योंकि मैं स्किनी हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज ही आता है। और मैंने ये चीज नोटिस करी है मीशो पे कि मीशो पे जितने भी चिकनकारी कुर्ते अवेलेबल हैं गाइस, वो मीडियम से स्टार्ट होते हैं। उनमें बहुत ही कम सेलर ऐसे हैं जो कि स्मॉल साइज या एक्स्ट्रा स्मॉल आपको सेल कर रहे हैं, मीडियम से साइज उनका स्टार्ट होता है। और मीडियम तो मेरे ऊपर ऐसा झोला सा लगेगा, तो मैं मीडियम नहीं खरीदती हूँ। और अगर मैं मीडियम खरीदना भी चाहूँ तो मोस्टली जो मीडियम साइज होता है ना, वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है, लोग बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। इसलिए ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी चिकनकारी कुर्ता खरीदने में, क्योंकि मुझे जो भी पसंद आ रहा था ना उसका साइज ही अवेलेबल नहीं था। तो ये चीज़ मैंने मीशो पे नोटिस करी है। अगर आप बहुत जल्दी देख लेते हो कोई कुर्ता सेल नहीं होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना जो चिकनकारी कुर्ते हैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, क्योंकि बाकी वेबसाइट से मीशो पे चिकनकारी कुर्ते काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिलते हैं, वरना काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये। ये अगर आपको खरीदना है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लेना। और जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक ही आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको खरीदना हो तो खरीद लेना वहां पे जाके। ओवरऑल मुझे ये कुर्ता काफी पसंद आया, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है जितने प्राइस पे मैंने ये खरीदा है। इतना सस्ता चिकनकारी कुर्ता गाइस नहीं मिल सकता मीशो के अलावा। उसके बाद मैंने फुटवेयर कैटेगरी में से कुछ लिया है, और मुझे इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुए थे ये फुटवेयर्स, और ये हैं जूतीज गाइस। तो जूतीज ना मेरे पास थी नहीं, और इंडियन वियर पे जो एथनिक वियर होता है उस पर काफ़ी अच्छी लगती हैं जब जूती आप वेयर करते हो, और ये है वो जूतीज गाइस। और इनका जो मटेरियल है ना वो फॉल लेदर है, और यू कैन सी इनकी सोल पे भी काफ़ी अच्छी ग्रिप दी हुई है। मेरा साइज इसमें 14 है, वैसे मैं वो साइज बता दूंगी जो मैंने लिया था। और आपको फ्रंट पे ना ऐसे कुछ पॉम पॉम लगा हुआ मिल जाएगा, उसके बाद ऐसे कुछ डिटेलिंग आपको दिखती है, और मुझे ना बिल्कुल परफेक्ट आया। मुझे लग रहा था पता नहीं लूज आएगा या टाइट आएगा, लेकिन ये वाला साइज मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया। प्राइस की बात करूँ गाइज, तो मुझे ये जूतीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिली हैं मीशो पे, और काफ़ी कॉमन है ये। लाइक मीशो पे जब आप फुटवेयर सर्च करोगे ना तो आपको ये ज़रूर दिखेंगे स्क्रॉल करने पे, और काफ़ी सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में इनको बेच रहे थे, कोई 200 से ऊपर, 300 से ऊपर। मैंने ये ली है 200 के अंदर, लाइक 200 से भी नीचे की ये जूतीज हैं। एंड
उसके हिसाब से ना मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से भी आ गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें। इनका जो सोल है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो स्मेल है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक इसका मटेरियल की जो स्ट्रॉन्ग है, बदबू नहीं कह सकते, लाइक जो लेदर वाली स्मेल होती है ना वैसी कोई स्मेल आ रही है। आई थिंक जो पॉलिश हो रखी है ना ये ब्राउन कलर की, उसमें से आ रही है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इनको अलग रखती हूँ। अदरवाइज़ मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैंने मीशो से इयररिंग्स लिए हैं गाइस, और इन इयररिंग्स को मैंने ना दूसरी वेबसाइट्स पे देखा था, बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे सस्ते दामों में मिल गए मीशो पे, और दीज आर द इयररिंग्स गाइस। ऐसी डिज़ाइन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और मुझे ना ऐसे इयररिंग्स जो होते हैं ना थोड़े से क्वर्की वाले, वो बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक अभी भी मैंने ना पर्ल वाले ये इयररिंग्स पहन रखे हैं, थोड़ा हुक वाली जो फीलिंग देते हैं ना वैसे इयररिंग्स, तो ये है वो इयररिंग्स। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है गाइस, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी, उसको ही देख के मैंने लिया ये। मुझे ना फ़ोटो में देख के लग रहे थे कि ये थोड़े से और बड़े आएंगे, लेकिन ये थोड़े से छोटे आए हैं, बट कोई बात नहीं, इतने भी छोटे नहीं हैं। लाइक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाले इयररिंग्स हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आए ये। और इनका जो डिज़ाइन है ना वो हुप्स वाला है, तो हुप्स जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, किसी भी आउटफिट पे वो पेयर अप कर जाते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जितने प्राइस पे मैंने इनको ख़रीदा है, आप ख़रीद लो इनको अगर आप ये चाहते हो तो। नेक्स्ट मैंने जो आइटम लिया है गाइस, वो मेरे इस हॉल का सबसे फेवरेट वाला आइटम है, और वो मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से पैक करके उन लोगों ने भेजा। वैसे मीशो पे इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ नहीं आती है, लेकिन ये अच्छी तरीके से आई थी, और ये इतनी महंगी भी नहीं है। सो दिस इज़ दी पोटली बैग जो कि मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। सो गाइस, ये है वो पोटली बैग जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये मेरा फेवरेट है। लाइक देखते ही ना मुझे इससे प्यार हो गया। लुक एट द डिटेलिंग जो कि इस बैग पे हो रखी है। मेरे पास ना कोई भी पोटली बैग नहीं था, और आप जानते ही हो कि साड़ी वगैरह वेयर करते हैं या फिर लहंगा वगैरह भी वेयर करते हैं, उन पे ये बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं अपनी मम्मी को भी गिफ्ट कर सकती हूँ ये। सो मैंने ये क्रीम कलर का लिया, काफ़ी सारे कलर्स में और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में अवेलेबल हैं पोटली बैग्स मीशो पे, और बहुत ही सस्ते दामों पे आप खरीद सकते हो अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो। मैंने तो पहली बार ख़रीदा है, एंड सबसे पहले मैं आपको डिटेलिंग दिखा देती हूँ, जो इस पे इस तरीके से ये सितारे वगैरह लगे हुए हैं ना, साथ में ये असली वाला मिरर लगा हुआ है गाइस। मैंने जब फ़ोटो में देखा था ना तो मुझे लग रहा था फेक मिरर्स आएंगे, वैसे मुझे फेक मिरर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें असली वाले मिरर लगा के भेजे हैं। बल्कि ना मुझे असली वाले मिरर से दिक्कत होती है कि वो कहीं हाथ बात में लग जाए और चुभ जाते हैं वो, तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है, फेक मिरर सही रहता है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसके साथ जो ये हैंडल आता है ना, ये पूरा पर्ल वाला डिज़ाइन से है। लुक एट दिस, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। लाइक इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी सच बताऊँ तो, एंड बहुत अच्छा बैग आया है ये मेरे पास। तो अभी मैं समझ सकती हूँ कि इसकी रेटिंग क्यों अच्छी थी। और साइड से आपको ऐसे कुछ लटकन टाइप मिलेगी कि अगर आपको टाइट करना हो ना ये, तो आप ऐसे टाइट कर सकते हैं इस पोटली बैग को, और मैंने इसमें अपना फ़ोन वगैरह डाल के देखा था, आराम से आ जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी है, और ये ऐसा कलर मैंने लिया कि हर किसी आउटफिट पे चल जाएगा। क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, आप खरीद लो इसे अगर आप चाहते हैं तो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये बैग। नेक्स्ट एंड लास्ट पीस जो मैंने लिया है वो है एक काफ्तान ड्रेस। तो आजकल ना मुझे काफ्तान टॉप ड्रेस बड़े पसंद आ रहे हैं, और ट्रेंड में भी आ चुके हैं वापस से, और मैंने ये ड्रेस ली थी। सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट देखो गाइस, मुझे ना इसका प्रिंट बहुत पसंद आया, ये फ्लोरल प्रिंट हो रखा है पूरे काफ्तान ड्रेस पे, और ना इसकी लेंथ मुझे काफ़ी पसंद आई, नी तक आती है, मेरी हाइट है 5'4", तो आप रेफरेंस ले लेना। आप चाहे तो ना नीचे कुछ भी लेगिंग वगैरह पहन सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अदरवाइज़ ये ड्रेस है, आप इसे कुर्ते की तरह भी पहन सकते हो। और इसका जो नेक है गाइज वो ऐसा कुछ है, इलास्टिक आपको मिल जाती है बीच में,
इस तरीके से इलास्टिक दी हुई है ताकि आपके वेस्ट पे अच्छी तरीके से आए। क्वालिटी की बात करूँ तो ये 300 के अंदर थी ड्रेस और क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली आई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि इतनी अच्छी क्वालिटी भेजेंगे, मुझे लग रहा था वापस ना करना पड़ जाए ये, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी आई। लाइक इसका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है वेयर करने में, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और आप थोड़ा बीच वगैरह एरिया में जा रहे हैं ना तो आप ऐसी ड्रेस पहन लो यार, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और गाइस कॉम्प्लीमेंट्री में ना उस सेलर ने मुझे ये तो भेजा ही, लेकिन साथ में उन्होंने ये हुप्स भी भेज दिए, तो मुझे ये जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा। ये सिल्वर कलर के हुप्स हैं, हुप्स तो मुझे वैसे भी पसंद है। एंड यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ये था मेरा मीशो हॉल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट आइटम कौन सा था इन सब में से। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें थी, सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।